नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस वर्ड के ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यूज, जो कि सीपीसीटी, व्यापम, रेलवे, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग आदि में आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। इसी के साथ हमने और भी कुछ वीडियो अपलोड करे हैं और इसी के साथ हम कंप्यूटर के और भी वीडियो अपलोड करने वाले हैं। अगर आपको और भी इसी प्रकार के वीडियोस चाहिए या इसी प्रकार की तैयारी के लिए कुछ मटेरियल चाहिए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पुराने जो हमारे वीडियो डले हुए हैं उन्हें भी हमारे चैनल पे जाके देखिए। तो आपका बहुत ही उपयोग में आने वाले वीडियो हैं और आपका बहुत ही टाइम भी इसमें बचेगा और बहुत ही जल्दी आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलिए, अगला पहला क्वेश्चन हमारा एमएस वर्ड से रिलेटेड है, एमएस ऑफिस से। तो एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर ऑल ऑफ अबाउ, ये सभी है। तो जो क्वेश्चन हमारा है, एमएस ऑफिस क्या है, ये कंप्यूटर का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये स्पेशल पर्पज़ से अलग अलग कार्य के लिए बनाए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, हार्डवेयर से, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज़र से कनेक्ट करने के लिए इंटरफेस बना देता है। ठीक है, अब एमएस ऑफिस क्या है? तो एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है? तो ऑप्शन ए ऑफिस एक्सपी, ऑप्शन बी ऑफिस 2007, ऑप्शन सी ऑफिस विस्टा और ऑफिस 2010, ऑप्शन डी। आप सभी ने देखा होगा ऑफिस एक्सपी भी है, ऑफिस 2007 भी है, ऑफिस विस्टा नहीं है क्योंकि ऑफिस विस्टा नाम से कुछ भी वर्ज़न नहीं आया था, वो विंडो विस्टा था जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑफिस विस्टा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, एमएस वर्ड क्या है? तो एमएस वर्ड अभी हमने देखा था कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिस पे हम टाइप करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन जी डी गेम भी नहीं है, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड में किस लेआउट में पेज का मार्जिन दिखाई देता है? पेज मार्जिन क्या होता है? तो पेज मार्जिन होती है ऊपर हमारा कितना स्पेस पेज में छूटेगा और नीचे भी स्पेस कितना छूटेगा, दाएँ कितना और बाएँ कितना, जब हम टाइप करते हैं तो हमें कितनी जगह उस पेज में आसपास छोड़नी है, ये हम पेज मार्जिन के द्वारा सेट करते हैं। तो ये किस में होता है? तो ये प्रिंट लेआउट में होता है, या नॉर्मल लेआउट में होता है, या सी जो है वेब लेआउट, या आउटलाइन लेआउट। तो चलिए इसे देख लेते हैं। ये देखिए राउंड रेड कलर के राउंड में जो दिया हुआ है प्रिंट लेआउट व्यू दिया है और इसी में ये मार्जिन शो की हुई है येलो कलर से। तो आपको ये याद हो गया होगा कि एम एस वर्ड में किस लेआउट में पेज मार्जिन दिखाई देता है, तो प्रिंट लेआउट में। एम एस वर्ड को इससे क्लोज नहीं कर सकते, क्लोज एम एस वर्ड को बंद करना है कंप्यूटर में, तो कैसे बंद करेंगे? फाइल मेन्यू में जाकर एग्जिट सब मेन्यू पर क्लिक करेंगे, जी हाँ बिल्कुल बंद हो जाएगा। अल्ट प्लस F4, कीबोर्ड वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अल्ट प्लस F4 को दबाते हैं तो प्रोग्राम बंद हो जाता है, यह भी सही है। ऑप्शन सी टाइटल बार में एक्स बटन को क्लिक करके, जी हाँ बिल्कुल सही, रेड कलर का बटन होता है राइट तरफ कॉर्नर पे, उसको भी बंद करते तो कंप्यूटर में खुला हुआ कोई भी प्रोग्राम बंद हो जाता है। ऑप्शन डी दिया है फाइल मेन्यू में क्लोज सब मेन्यू सेलेक्ट करके, ये भी सही है क्या? जी नहीं, इसमें दिया हुआ है फाइल मेन्यू में क्लोज सब मेन्यू को सेलेक्ट करके, तो इससे एमएस वर्ड बंद नहीं होता, इससे एमएस वर्ड में खुली हुई फाइल बंद होती है, पूरा प्रोग्राम बंद नहीं होता। तो इसका सही आंसर यही होगा। ठीक है, फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज मिनिमम कितनी होती है? तो ये होती है 6, 8, 10 या 12। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए पिक्चर में दिया हुआ है मिनिमम साइज़ है 8 और मैक्सिमम साइज 72, ये बढ़ाई जा सकती है लेकिन जो शो हो रही है वो कितनी होती है? मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72। तो इसकी इसका सही आंसर है 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैक्सिमम साइज़ के ऊपर है, तो मैक्सिमम साइज़ अभी हमने देखी कितनी होती है? 72।
एमएस वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं? अब टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने होते हैं तो इसको देख लेते हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट सेंटर और जस्टिफाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 4। अभी हमने फोटो में देखा, एमएस वर्ड में किसी सेंटेंस को सेलेक्ट करने के लिए माउस के साथ किस की का यूज़ किया जाता है? तो एमएस वर्ड में किसी सेंटेंस को सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कौन सी की यूज़ होती है? कंट्रोल की, क्योंकि हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल की। फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट की मिनिमम और मैक्सिमम साइज हम अभी देख चुके हैं कितनी थी, ये आपको याद आया? आपके सामने पिक्चर बिल्कुल आ जानी चाहिए, वो है एट मिनिमम होती है और 72 मैक्सिमम। इसके बाद भी जैसे हम स्क्रॉल करते हैं माउस से तो और भी साइज़ उसमें बढ़ जाती है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पेज मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, पेपर साइज या पेज लेआउट। देखिए ये क्या होते हैं, पेज लेआउट में गए, पेज को किस प्रकार से हमें प्रिंट कराना है, पेज में आड़े में टाइप किया हुआ मैटर प्रिंट होना है या पेज में सीधे एप्लीकेशन टाइप से प्रिंट होना है, तो ये होता है पेज ओरिएंटेशन। तो ये देखिए दोनों दिया है, पेज ओरिएंटेशन, तो इसका सही आंसर होगा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, तो पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, कटर की पोजीशन हो सकती है। अब ये क्या होता है, जब हम किसी भी फाइल को जिल्द कराते हैं या इसमें स्पाइरल कराते हैं तो उसके लिए टाइपिंग पेज में कुछ जगह छोड़ी जाती है, स्पेस छोड़ा जाता है ताकि वो पेज में लिखा हुआ मैटर दबे नहीं, इसके लिए जो जगह छोड़ी जाती है उसी का ये बारे में बात की जा रही है। तो ये कहाँ कहाँ होता है, तो ये होता है लेफ्ट और टॉप पे। देखिए राइट, रेड कलर के बॉक्स के अंदर दिया हुआ है लेफ्ट और टॉप, तो इसका सही आंसर है लेफ्ट और टॉप। एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट कौन सा पेज आकार सेट रहता है? A3, लेटर, A4 या फिर लीगल। तो सही आंसर है इसका, देखिए पिक्चर में पेज डिफ़ॉल्ट कौन सा दिखा रहा है रेड कलर के बॉक्स में, लेटर, पेपर साइज लेटर है, तो इसका सही आंसर होगा एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट कौन सा पेज आकार सेट रहता है, वो होता है लेटर। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में रो और कॉलम की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? ये बार बार क्वेश्चन आता है और बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि कॉलम 2 से बनता है लेकिन रो 1 होती है, लेकिन फिर भी अगर हमें वर्ड में इंसर्ट करना है तो एक कॉलम और रो, एक रो होती है, तो इसका सही आंसर होगा एक कॉलम और एक रो, न्यूनतम कॉलम और न्यूनतम रो की संख्या होती है एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में रूलर कौन सी मदद करता है? तो रूलर जो होता है वो टैब सेट करने के लिए, पेज मार्जिन बदलने के लिए, इंडेंट सेट करने के लिए या सभी के लिए, तो इसका सही आंसर है सभी के लिए, ये सभी में मदद करता है। निम्न में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? मार्जिन मैंने अभी बताया था आपको पहले भी, राइट मार्जिन भी होता है राइट में सेट करने के लिए, लेफ्ट में जगह छोड़ने के लिए लेफ्ट मार्जिन होता है, टॉप और सेंटर, तो टॉप में भी जगह छोड़ी जाती है और बॉटम में छोड़ी जाती है, लेकिन सेंटर में कोई जगह नहीं छोड़ सकते, इसलिए लेफ्ट भी मार्जिन होता है, राइट भी मार्जिन होता है, टॉप और बॉटम होते हैं लेकिन सेंटर कोई मार्जिन नहीं होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, बॉटम मार्जिन और राइट मार्जिन। ठीक है, लेकिन सेंटर कोई मार्जिन नहीं है। निम्न में से कौन सा मेन्यू कॉलम बनाने में उपयोग होता है? कॉलम को इंसर्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो कुछ भी चीज़ अगर देखनी है, कॉलम को इंसर्ट करना है तो उसे फॉर्मेट मेन्यू से लाना पड़ेगा। यहाँ पे हम टेबल की बात नहीं कर रहे हैं, पेज में कॉलम डालने की बात कर रहे हैं। एमएस वर्ड में थ्रेजर टूल का उपयोग किया जाता है ग्रामर ऑप्शन के लिए, साइनोम्स एंड एंटोम्स वर्ड के लिए, ऑटो फॉर्मेट के लिए या स्पेलिंग सजेशन के लिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए किस टूल
क्रियान्वयन फाइल का उपयोग किया जाता है, कौन सी फाइल को रन किया जाएगा, एम एस वर्ड डॉट ई एक्स ई फाइल, या फिर वर्ड डॉट ई एक्स ई फाइल, या फिर सी विंड वर्ड डॉट ई एक्स ई फाइल, या नॉन ऑफ दिस अबव। चलिए बताइए। जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन सी विन वर्ड डॉट ई एक्स ई फाइल इसका सही आंसर है। एम एस वर्ड टेक्स्ट को जब भी स्क्रीन के दाहिने किनारे तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें अपने आप अगली लाइन पर स्थानांतरित करता है, इसे कहा जाता है अगली लाइन पर पहुंचना। अगर हम इस ऑप्शन को नहीं दबाते तो एक ही लाइन पर टाइप होता जाता है, तो वो कौन सा ऑप्शन है जिसे दबाने से लाइन टुकड़ों में टूट जाती है। ऑप्शन ए वर्ड रैप, ऑप्शन बी ऑटो स्क्रॉल, ऑप्शन सी इंटर, या डी कैरेज रिटर्न। तो इसका सही ऑप्शन है वर्ड रैप। अगला क्वेश्चन है, ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्ट की दबाई जाती है, Alt प्लस F12, Shift प्लस F12, Control प्लस F12, या फिर F12। तो ओपन डायलॉग बॉक्स को क्लिक करने के लिए कंट्रोल प्लस F12 की दबाई जाती है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता रहता है, इसलिए इसे ध्यान से देख लीजिए, कंट्रोल प्लस F12। यूज़र डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं, स्वाभाविक है कि उसे नेम ही बोलेंगे, ना तो वो रिकॉर्ड होगा, ना डाटा होगा, ना प्रोग्राम होगा। तो यूज़र जो नाम देगा उसे फाइल नेम बोलते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से हेडर और फुटर कौन से पेज पर प्रिंट होते हैं। अब हेडर और फुटर होते क्या हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो हेडर और फुटर जो हम बुक्स पढ़ते हैं उसमें पेज नंबर जो डले हुए होते हैं, या डेट डला हुआ होता है, या फिर उस बुक्स का नाम या ऑथर का नाम डला हुआ होता है जो कि हर पेज पे प्रिंट होता है, या तो वो बिल्कुल टॉप पे होता है या बिल्कुल नीचे बॉटम पे होता है। तो ये जो पेज में पेज नंबर या डेट डली हुई होती है, या अलग से कुछ नाम जो बार बार पेज पे रिपीट होता है, उसी को हम हेडर और फुटर के अंदर डालते हैं। ये ऐसा एरिया होता है जिसमें हम इन चीज़ों को इनपुट करते हैं। तो ये पहले पेज पे होते हैं, या अल्टरनेट पेज पे, या किसी पर भी नहीं, या हर एक पेज पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट पूछा है उन्होंने, अलग अलग तो हम डाल सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये अगर हम किसी में भी हेडर या फुटर डालते हैं तो ये सभी पेज पे नज़र आता है। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, कट कॉपी पेस्ट, ये एडिट किया जाता है तो ये एडिट होता है। निम्न में से कौन एमएस वर्ड में रूलर पर उपलब्ध नहीं है, लेफ्ट इंडेंट, टैब स्टॉप बॉक्स, सेंट्रल इंडेंट, या राइट इंडेंट। तो एमएस वर्ड में रूलर पर क्या उपलब्ध नहीं है, तो सेंट्रल इंडेंट। एम एस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है, स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग चेक इसका सही आंसर है। अगर हमें किसी की भी चीज़ को चेक करना है, किसी स्पेलिंग को चेक करना है, तो स्पेलिंग चेक का यूज़ करेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरी लाइन को पांचवी लाइन के बाद प्लेस करने का सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, एक जगह से हटाया और दूसरी जगह लगाया, इसको बोलेंगे कट से पेस्ट, कट और पेस्ट, कट करेंगे और उसके बाद दूसरी जगह पेस्ट कर देंगे। तो इसका सही आंसर है कट और पेस्ट। फॉन्ट स्टाइल नहीं है, फॉन्ट स्टाइल कौन से नहीं है, सब स्क्रिप्ट, बोल्ड, इटैलिक, या रेगुलर। तो फॉन्ट स्टाइल कौन से नहीं है, देखिए बोल्ड में क्या होता है, फॉन्ट हमारे गहरे हो जाते हैं, इटैलिक में थोड़े से तिरछे हो जाते हैं, रेगुलर या सबस्क्रिप्ट। तो सही इसमें से आंसर है इसका सबस्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन, हमारा एमएस वर्ड कुछ अंतराल के बाद ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट सेव करता है, यह फीचर कहाँ उपलब्ध होता है। तो यह होता है सेव टैप ऑन वर्ड ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ड्रॉप कैप के लिए अधिकतम कितनी लाइनें सेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ड्रॉप कैप के लिए अधिकतम हम 10 लाइनें सेट कर सकते हैं। ड्रॉप कैप क्या होता है, तो जब हमें कोई सी 3 लाइनों में एक ही वर्ड दिखाना होता है तो हम इसे
मैगजीन में अधिकतर इसका यूज़ किया जाता है। यह ड्रॉप कैप के रूप में यूज़ किया जाता है। इसमें अधिकतम हम 10 लाइनें इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक कैरेक्टर जिसे बेस लाइन से थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी साइज छोटी है, उसे के रूप में जाना जाता है।